जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में निर्वाचन विभाग ने पोस्टल बैलेट के जरिए 85 वर्ष से ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं के मतदान प्रक्रिया को 2 चरणों में किए जाने की रूपरेखा तय कर दी है। इसके तहत ही पोलिंग पार्टी पोस्टल बैलेट के आवेदन कर चूके मतदानों के घर जाकर उनका मतदान कराएंगे। बता दें कि पहले चरण में 8 से 10 अप्रैल को यह अभियान चलेगा। इसके बाद छूट गए मतदाताओं से पोस्टल बैलेट दूसरे चरण में 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को लिया जाएगा। वहीं निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि लगभग 1555 मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट के लिए 12D फॉर्म भरकर आवेदन किया गया है, जिसके लिए रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है और किसी भी प्रकार से कोई मतदाता ना चूके इसके लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जो भी हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और 85 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं और AVES और कोविड पॉजिटिव यदि कोई है, तो ये 4 कैटेगरी हैं जिनको घर जाकर के मतदान करवाए जाने की सुविधा दी जा रही है। 8, 9, 10 प्रथम चरण है जिसमें रूट चार्ट सभी AROs के द्वारा प्रिपेयर कर लिया गया है और रूट चार्ट के अनुसार उसकी सूचना पूर्व में प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों और मतदाताओं को भी दे दी गई है। एक टीम जो है घर घर जाकर के इन मतदाताओं को मदद करेगी, उनका मतदान करवाएगी और इसके पश्चात यदि कोई रह जाता है तो 11, 12, 13 में दूसरा अवसर दिया जाएगा।